दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करने वाला हूं अकासा एयरलाइन का वेब चेक इन आप कैसे करेंगे, यानी कि बोर्डिंग पास आप कैसे डाउनलोड करेंगे। लाइव प्रूफ के साथ एक बोर्डिंग पास हम डाउनलोड करके आपको दिखाने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहे तो वो कहां से मिलेगा, फ्री सीट आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के स्टूडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। लाइव प्रूफ के साथ एक वेब चेक इन मैं आपको करके दिखाता हूं। हालांकि आप यहां पे एक चीज में कंफ्यूज ना हो कि वेब चेक इन और बोर्डिंग पास दो वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूं। तो जैसे ही आप वेब चेक इन करते हैं तो स्लिप डाउनलोड होता है, उसे हम बोर्डिंग पास कहते हैं। तो इस हिसाब से दोनों एक ही चीज हुआ। खैर, गूगल पे हमें सर्च करना है अकासा एयरलाइन और जो पहला ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है इसको हमें ओपन कर लेना है। अब हम आ चुके हैं अकासा एयरलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको चेक इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, वेब चेक इन, ऐप चेक इन, ऑटो चेक इन। तो हमें सबसे पहला ऑप्शन यानी कि वेब चेक इन के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे देख लीजिए वेब चेक इन करने का टाइमिंग बताया जा रहा है। आप फ्लाइट बोर्ड करने से 48 घंटा पहले से लेकर के फ्लाइट बोर्ड करने से एक घंटा पहले तक ही वेब चेक इन कर सकते हैं। तो इस समय सीमा के अंदर हमें वेब चेक इन कंप्लीट करना है। चलिए, तो वेब चेक इन करने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। सबसे पहला है पीएनआर नंबर या बुकिंग रेफरेंस नंबर और दूसरा है ईमेल आईडी या पैसेंजर का लास्ट नेम। आप किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, यानी कि पीएनआर नंबर आपको जरूर मिलता है उस टिकट में और पैसेंजर का लास्ट नेम तो रहता ही है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये टिकट हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया था और टिकट कंफर्म हो चुका है। खैर, इस टिकट से हमें सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहला है पीएनआर नंबर जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और दूसरा पैसेंजर का लास्ट नेम। तो दोनों चीज हमें टिकट के ऊपर देखने को मिल जाता है, चाहे आप कहीं से भी टिकट बुक करें, पेटीएम, एमएमटी, गोया, वीवो, एक्सीगो, कहीं से भी आप बुक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने पीएनआर नंबर डाल दिया टिकट से देख करके और यहाँ पे हमने ईमेल आईडी डाल दिया। यहाँ पे आप चाहे तो पैसेंजर का लास्ट नेम भी डाल सकते हैं और सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए आपका बुकिंग खुल के आ जाएगा और चेक इन करने का ऑप्शन आ रहा है। इससे पहले देख लीजिए यहाँ पे फिर से वही चीज बताया जा रहा है, दिल्ली से बेंगलुरु का फ्लाइट है, डेट बताया जा रहा है और फ्लाइट नंबर बताया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे चेक इन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए एयरलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर डिटेल खुल के आ चुका है, क्या फ्लाइट नंबर है, क्या टाइमिंग है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, टिकट के ऊपर जो भी प्रिंट रहता है टाइमिंग वगैरह वो एयरलाइन का ऑफिशियल नहीं रहता है, लेकिन ये आप एयरलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सारा डाटा देख रहे हैं तो ये एक्यूरेट होने वाला है। खैर, हमें वेब चेक इन करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए सेलेक्ट ऑल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी पैसेंजर होंगे, 1, 2, 3, 4 आपके टिकट में जो भी पैसेंजर होंगे सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, या आप सिंगल यहां पे भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और वेब चेक इन करते समय ही यानी कि इस समय ही आपका अपना सीट का खास ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल आपने टिकट बुक करते समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था तो वो सीट नंबर यहां पे आ जाता है, अदरवाइज आप यहां पे भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहां पे दो ऑप्शन मिल रहा है, ऑटो सीट असाइंड और दूसरा ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट एड ऑन सीट। यहां पे ऑटो सीट असाइंड अगर मैं कर दूंगा तो एयरलाइन अपने तरफ से कोई भी फ्री वाला सीट हमें अलॉट कर देगा। वहीं पे एड ऑन फीचर्स में जाकर के खुद से कोई सीट हम सेलेक्ट करेंगे तो हम अपने मन पसंद का सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंडो सीट, मिडिल सीट, साइड सीट, या अगर दो पैसेंजर का आपने टिकट बुक किया है, ऑटो सीट असाइन कर दोगे तो हो सकता है कि एक का सीट आगे एक का सीट पीछे दे दिया जाए, तो इस सिचुएशन में आपको खुद से ही सीट सेलेक्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑटो सीट असाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट एड ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पे एड ऑन फीचर्स का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें है पहला एक्स्ट्रा बैगेज आप ले जाना चाहते हैं, दूसरा है कि खाना पीना आप ऑनलाइन बुक कर लेंगे तो वो आपको फ्लाइट के अंदर सर्व किया जाएगा। हालांकि फ्लाइट के अंदर भी आप परचेज कर सकते हैं लेकिन वहां पे यूपीआई या क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको कैश में परचेज करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे तीसरा आ जाता है प्रायोरिटी चेक इन, यानी कि ये सब चीजें जो है ना ये एड ऑन फीचर्स है जो कि आपको पेड सर्विस मिलता है, यानी कि पैसा देकर के ये सब सर्विस परचेज करना पड़ता है। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, सबको हम इग्नोर करेंगे। बोर्ड फर्स्ट का भी ऑप्शन है, डायरेक्टली हम सेलेक्ट योर सीट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने मनपसंद का सीट सेलेक्ट करेंगे। और देखिए अब हम सीट सेलेक्ट करने के ऑप्शन के ऊपर आ चुके हैं, जहां पे देख लीजिए इस साइड के जितने भी सीट है सबके सब विंडो सीट है, ठीक है, फिर से इस साइड के जितने भी सीट है सबके सब विंडो सीट है, उसके बाद ये सबके सब मिडिल सीट होने वाले हैं और ये साइड सीट, सेम उसी प्रकार से ये मिडिल सीट, ये साइड सीट। ये फ्लाइट का मैप आपको दिखाया जा रहा है, आप मैप देख करके समझ ही सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर हम विंडो सीट लेते हैं तो देख लीजिए इसका प्राइस है 350, इसका प्राइस है 350, और फ्रंट वाला लेते हैं तो उसका प्राइस है 1500 रुपया, जो कि हमें अभी पे करना पड़ेगा। और वहीं पे जो सीट के सामने क्रॉस लगा हुआ है ये सीट किसी ने बुक कर लिया है,
हम इस सीट को बुक नहीं कर सकते हैं। खैर अभी मुझे जो सीट बुक करना है मुझे ये वाला सीट बुक करना है जिसका नंबर है 11A और इसके लिए प्राइस हमें पे करना पड़ेगा 350 यानी 350 रुपया। तो जैसे ही हम सीट सेलेक्ट करते हैं हमारे नाम के आगे यहाँ पे सीट नंबर आ चुका है। सेम इसी तरीके से आपके जितने भी पैसेंजर होंगे सभी का सीट सेलेक्ट करेंगे तो उसके आगे सीट नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने सीट सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे नीचे कन्फर्म सीट के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अगले पेज के ऊपर हेल्थ एंड कॉन्टैक्ट डिक्लेरेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करना है, एज आपको यहाँ पे डाल देना है, डेस्टिनेशन एड्रेस डाल देना है, डेस्टिनेशन पिन कोड डाल देना है और आई डिक्लेयर डेट के ऊपर क्लिक करना है जहां पे बोला जा रहा है आई एम नॉट रजिस्टर्ड एनी क्वारंटाइन जोन। हालांकि अब ये 2024 में ये सब चीजों को हटा देना चाहिए, COVID-19 कब का खत्म हो गया है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी फीवर। चलिए कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं ये सब डिटेल फिल करके। उसके बाद देखिए अगले पेज के ऊपर जब हम पहुंचते हैं उसके बाद इस पेज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दिया जा रहा है प्रोहिबिटेड आइटम, यानी कि ये आइटम लेकर के आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला आ जाता है जो चीज ब्लास्ट करने वाला हो वो आप नहीं ले जा सकते हैं, गन हो गया नहीं ले जा सकते हैं, कोई ऐसा केमिकल आप नहीं ले जा सकते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाता हो, मैग्नेट आप नहीं ले जा सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड यानी कि जो आग लगने वाला सामान होता है वो भी आप नहीं ले जा सकते हैं, माचिस हो गया, कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, ये सब चीजें आपको नहीं ले जाना होता है। अगर आप ले भी जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक इन में वो सब के सब स्कैन करने पे सामने आ जाता है और सब के सब सामान आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, गैस वाला आइटम नहीं ले जा सकते हैं और तो और ड्राई कोकोनट आप नहीं ले जा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पावर बैंक आप ले जा सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेक इन बैग में, कैरी ऑन बैग यानी कि जो बैग लेकर के आप फ्लाइट के अंदर बैठोगे उस बैग में ही आप पावर बैंक ले जा सकते हो। सबसे पहला चेक इन बैग यानी कि जो हम अपने सीट के ऊपर लेकर के बैठते हैं और दूसरा जो बेल्ट के ऊपर हम सबमिट करवा देते हैं और वो हमें बेल्ट के ऊपर ही मिलता है एयरपोर्ट के ऊपर। तो जो बेल्ट के ऊपर आप सामान सबमिट कराओगे उसके अंदर उस सामान के अंदर पावर बैंक नहीं होना चाहिए और जो आप फ्लाइट में लेकर के बैठोगे उसमें आप पावर बैंक ले जा सकते हो। खैर हमने समझ लिया कि ये सब चीजें नहीं ले जाना है, अब हमें सीधे नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ओहो उससे पहले यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है यानी कि बोल रहा है कि ये सब हमने पढ़ लिया है और ये सब मैं समझ चुका हूँ, तो आई एग्री के ऊपर हम क्लिक करेंगे तब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा वेब चेक इन फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे पीएनआर नंबर और बुकिंग स्टेटस कंफर्म आ रहा है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है और फ्लाइट डिटेल वही सब है जो स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था और बोर्डिंग पास देखने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है योर बोर्डिंग पास विथ द असाइनड सीट नंबर will be sent to your registered email ID 6 hours before flight departure। यानी कि फ्लाइट उड़ने से 6 घंटा पहले आपके ईमेल के ऊपर बोर्डिंग पास भेज दिया जाएगा या आप फिर से वेब चेक इन वाले ऑप्शन के ऊपर आकर के पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम डालेंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे व्यू वाले ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का और देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे प्रिंट करके पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो यही था आकाशा एयरलाइन में वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस और बोर्डिंग पास डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस। हालांकि दोस्तों अगर आप इस तरह का इनका ऑफिशियल फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो आप पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं जो मोबाइल से आप वेब चेक इन करते हैं जो पीडीएफ निकलता है जो स्क्रीनशॉट निकलता है उसे दिखा करके भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आप मोबाइल में ही दिखा करके एंट्री करेंगे, हालांकि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर CISF के जो स्टाफ है वो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर नेम और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का नेम मैच करते हैं उसके बाद एंट्री दे देते हैं। लेकिन अगर आपको फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करोगे तो सभी एयरलाइन का काउंटर बना हुआ रहता है, वहां पे आप आकाशा एयरलाइन के काउंटर के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो वो आपका पीएनआर नंबर और आपका आईडी प्रूफ दे करके फिजिकल बोर्डिंग पास आपको प्रिंट करके दे देंगे जो भी उनका ऑफिशियल लेटर पैड होगा उनके उसके ऊपर। और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मना नहीं कर सकता, बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस 2024 के अंदर फिजिकल बोर्डिंग पास और वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।